लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जहाँ से कुछ और फंडे क्लियर हो जाए, कुछ रिवीजन कर पाए हम लोग बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखा हुआ है। तो द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110। मतलब टू डिजिट नंबर है तो उसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब अगर वो 23 है तो नाउ इट इज 32। तो क्या कह रहा है, एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, तो आगे की इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के पहले उसको स्मूथ बनाते हैं, पहले देखना शुरू करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करें कि भी आपको ये पूरा पिक्चर समझ आने लग जाए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है एक्चुअली। तो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, तो जैसे दो डिजिट नंबर की बात आती है तो दो प्लेसेस होंगे, एक 10 का प्लेस होगा, दूसरा यूनिट प्लेस होगा। तो लेट अस सपोज द टेंस एंड यूनिट्स, द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई। दिस इज द टेंस पोजीशन एंड दिस इज द यूनिट्स पोजीशन, ठीक है। तो अगर ऐसा रखते हैं तो 10 का पोजीशन कहने का, 10 पोजीशन जो होगा, 10 पोजीशन लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास 25 है। तो अगर 25 की बात करें तो यूनिट पोजीशन किसका है, डेफिनेटली 5 है, और 10 पोजीशन किसका है, 2 का है। तो अगर 2 की बात करें तो 2 10 पोजीशन पे, तो 10 पोजीशन पे जो होता है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो यूनिट पोजीशन पे उसको सिंपली ऐसा लिख देना है। अगर वैसे ही 100,000 एंड और आगे हायर ऑर्डर में चले जाएँ तो सिमिलरली ये प्रॉब्लम, ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। तो अगर हमने ज्यूम कर लिया कि भाई जो 10 पोजीशन है इट इज़ एक्स फॉर दिस गिवन नंबर, फॉर दैट ओरिजिनल नंबर, एंड जो यूनिट पोजीशन है इट इज़ वाई, तो जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए इट शुड बी लाइक 10x प्लस वाई। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ तक, नहीं। अब क्या कह रहा है कि जब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, अब आगे की कहानी समझ आएगी कि भाई द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग, तो जैसे मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो जो 10 का पोजीशन था वो वाई बन जाएगा और जो यूनिट पोजीशन है वो एक्स होएगा। तो अब जो न्यू नंबर है वो क्या होना चाहिए, 10y + x। दिस वॉज द ओरिजिनल नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, जो नंबर है हमारे पास इट इज 10y + x। तो इन दोनों का जो सम है इट इज 110। इट इज 110 कहने का मतलब वी हैव वन इक्वेशन बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, विल हैव अ लीनियर इक्वेशन, इट इज 110। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको क्या लिख सकते, 10x + x, 11x + 11y = 110। तो इसको मैं क्लियरली, चलो कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो मैं एक स्टेप और भी लिख देता हूँ, आप भी एग्जाम में ऐसा ही करेंगे ताकि पूरे मार्क्स मिले, है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये यहाँ तक पहुँच गए, बट जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, तो एटलीस्ट दो इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। दूसरा कहाँ से तैयार हो रहा है वो देखते हैं। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, तो जैसा ये कह रहे साहब वैसा करते हैं हम लोग। तो भाई ओरिजिनल नंबर वॉज 10x + y, हमने इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिख दिया भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है करते चलो, मैथ्स के मेथड्स आने चाहिए, बस कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा मैथ्स, है ना। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जैसा कह रहे हैं बस उसको लिखते चले जाओ, कुछ है ही नहीं। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, मैंने कर दिया द न्यू नंबर, दिस इज द, डेफिनेटली दिस इज द न्यू नंबर, क्योंकि मैंने ओरिजिनल में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसा क्वेश्चन ने कहा था। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, तो द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, तो 4 मैंने पहले लिख दिया, मोर देन किससे भाई, देन 5 टाइम्स, ठीक है जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैंने लिख दिया 5 टाइम्स कर दिया भाई, किसका 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर तो यही है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। If 10 is subtracted from the original number, हमने 10 subtract कर दिया भाई, 10x + y - 10 कर दिया, the new number is 4 more than, तो 4 more than
किससे भाई, फाइव टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, बस इतना करना था। अब यहाँ से हमें फिर से एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज अ 10x प्लस वाई माइनस 10, इट इज 4 प्लस 5x प्लस 5y। मैं थोड़ा काम आप पे देता हूँ, आप इसको कर सकते हैं मेरे ख्याल से। 10x है, 5x इस तरफ आ गया तो क्या बचेगा, इट इज नथिंग बट 5x ओनली, y माइनस 5y, इट विल बी माइनस 4y, 4 प्लस 10 इट विल बी 14, 4 प्लस 10, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, 5x माइनस 4y इज 14। नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस विथ टू अननोन्स। क्लियरली यहाँ से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर यूज़ कर ले तो यहाँ से y जाता हुआ दिख रहा है, तो y को कैसे भेज सकते हैं, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, ठीक है, 9x शुड बी इक्वल टू 54 ना, ठीक है, 54 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 6, तो x मिल गया हमें 6। पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। भाई ओरिजिनल नंबर तो तभी मिलेगा जब हमें y भी पता हो, तो कहीं से भी x प्लस y इज 10 इफ x इज 6, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन विल गेट y। तो y कैसे मिलेगा आपको, तो y को हम लिख सकते हैं 10 माइनस x इट इज 4। नाउ x इज 6, y इज 4 एंड द ओरिजिनल नंबर वॉज 10x प्लस y, देन फाइनल आंसर वुड बी लाइक 10 इंटू 6 प्लस 4, 60 प्लस 4 64, दिस इज द आंसर। कर सकते, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको देखते रहिए। जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही मैं उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपको रिवाइज करना है, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर सकते, जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें मोटिवेट करते रहती है, लगातार मोटिवेट करते रहती है, ठीक है। तो मेरा निकाल कि आप ये कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है।